हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताबिश व्लॉग्स। तो भाई बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है भाई। तुम्हें जैसे पता ही है मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर देता था ताकि भाई वो रियल टाइम व्यूज़ वगैरह कम ना हो, ठीक है। तो तुम्हें पता ही था यार, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे बोर्ड्स के, तो टाइम वगैरह थोड़ा कम मिल रहा था, तो जैसे वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। और अभी एंट्रेंस का माहौल भी चल रहा है एमयू में बड़ा ही ख़तरनाक तरीके से। तो आज ये वाली भाई टाइटल से पता लग गया होगा, 11th क्लास हाउ टू क्रैक 11th एंट्रेंस ऑफ एमयू इन ओनली 1 मंथ, ठीक है भाई। एक महीना तैयारी काफ़ी है, बहुत ही मतलब सफिशेंट है। अगर तुम एक महीना अच्छे से पढ़ लो एमयू के लिए तो ये तुम्हारे क्लास 11 में आराम से बहुत प्यार से मतलब एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो सारी डिटेल्स वगैरह अब डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। तो बस अभी आज नमाज का भी टाइम होने वाला फ्राइडे आज, तो जल्दी से वीडियो बनाते हैं फिर। तो भाई जैसे कि देख ही सकते हो, ठीक है, मैंने ना ये मतलब मेरी एक टेबल थी, मैंने ना उसका वाइट बोर्ड बना दिया, क्योंकि भाई वाइट बोर्ड मिल नहीं रहा था हॉस्टल में, ठीक है। तो जल्दी से ये सब छोड़ो, आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, जल्दी से शॉर्ट वीडियो में तुम समझ लो। तो भाई 11th एंट्रेंस एमयू 1 मंथ में कैसे क्रैक करें, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने एक बुक ले लेनी है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा महंगी नहीं है, 500 की है, ठीक है। उसमें तुम्हें प्रीवियस 10 ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस बुक्स में यार बहुत सारे मतलब सबसे अच्छी बुक एमयू के एंट्रेंस के लिए ही माने जाते हैं, कॉन्सेप्टम, ठीक है। तो कॉन्सेप्टम ले लेना, जो बच्चे अलीगढ़ में ही है वो तो भाई ले लेना, शमशाद से मिल जाएगी या चुंगी पे से या किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी, या तो फिर आप तुम ऑनलाइन मंगवा लेना अगर तुम अलीगढ़ से दूर हो, ठीक है। तो भाई अब ये 10 ईयर्स पेपर अभी से छोड़ो, तो अभी पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस तुमने करना है सोशल साइंस पे, ठीक है। तो अगर तुमने 10th में NCERT अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो मतलब तुम्हारा बहुत प्यार से एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सोशल साइंस 50 मार्क्स की, अगर तुम 50 मार्क्स ही सिक्योर कर लोगे ना तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो भाई अगर तुमने सोशल साइंस ही अकेला सोशल साइंस से तुमने अच्छे से कर ली तो तुम्हारे 50 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आओ मैथ्स पे, तो मैथ्स में भाई 30 मार्क्स की मैथ्स आती है, जो भाई मैथ्स में वीक है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तुम इसको अच्छे से करना, सोशल साइंस और एक मैथ्स, ये दोनों भाई अच्छे से करना, क्योंकि ये दोनों ही 80 मार्क्स के हो, ठीक है। और मैं भाई रिकमेंड करूँगा कि GK पढ़ना, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि भाई नहीं पढ़ना, लेकिन GK पढ़ना लास्ट में पढ़ना, ठीक है, क्योंकि GK का भाई बहुत ही ज़्यादा पास सिलेबस है, ठीक है। तो भाई इसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा और इसमें दिमाग खपाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 10 नंबर का ही है और इतना ज़्यादा है भी नहीं। तो बस ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना उसके बाद, तो ठीक है भाई। ये GK का इतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर अब आ जाओ इस पर इंडो इस्लामिक पे, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक में 10 मार्क्स का आएगा, तो इंडो इस्लामिक का कोई इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, सिंपल ही है, कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इंडो इस्लामिक के लिए एक बुक आती है सबसे बढ़िया, नाज गाइड, ये भी भाई ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 50-60 रुपीज़ की होगी मेरे ख्याल से, बाकी चेक कर लेना। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंडो इस्लामिक की एक बुक है, और इसमें बस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब लाइफ के बारे में बताना है आपको, कितने ज़्यादा बैटल्स हुए मुस्लिम्स इंडिया में, कब आए, उससे रिलेटेड इंडो इस्लामिक है, ठीक है। तो भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये 10 मार्क्स और ये 50 और ये 30, ये बहुत आराम से कर सकते हो आप और कर लेना, और ठीक है। और जब एंट्रेंस आपका जिस भी डेट हुआ, ठीक है, उससे 5 दिन पहले या 5 या 10 दिन पहले ये 10 ईयर्स के पेपर देखना है। अगर तुमने 10 ईयर्स के पेपर अच्छे से कर लिए ना, तो भाई तुम बहुत प्यार से ये 11th के एंट्रेंस बहुत प्यार से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो अब बताता हूँ आगे, हाँ भाई वो तो मैं बताना भूल ही गया था, तो वही मैं सारा आर्ट्स का बता रहा हूँ, ठीक है। कभी तुम सोचो साइंस में वो कहाँ से आ गई सोशल साइंस, ठीक है। तो भाई साइंस का अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूँगा। और हाँ, अगर तुम्हें 9th वाले जो भी देख रहे हैं, अगर 9th वालों को भी वीडियो चाहिए ऐसी, तो भाई मैं 9th वालों के लिए भी बना दूँगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। और जो भी क्वेरीज हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या कमेंट्स में पूछ लेना, मैं ज़्यादातर रिप्लाई कर ही दूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी tabish_2004, राइटिंग बेकार आ रही है, वाइट बोर्ड पे पहली बार लिख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ भाई कट ऑफ पे, तो कट ऑफ यार इतनी ज़्यादा भी नहीं जाती है, इतनी कम भी नहीं जाती है भाई, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे बच्चे, किस लेवल के बच्चे आए हैं और कितने बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। तो कट ऑफ वैसे ज़्यादातर, ठीक है, 50 के आसपास जाती है आर्ट्स में, ठीक है। तो मतलब 50 में आपका रेगुलर में हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और एक सेल्फ फाइनेंस होता है, सेल्फ फाइनेंस में मैंने वैसे मैंने वीडियो बना रखी है,
अगर तुम्हें दोबारा चाहिए तो बता देना कमेंट बॉक्स में। तो सेल्फ फाइनेंस की कट ऑफ भाई, मतलब अगर तुम्हारे 30, मतलब अराउंड 40, मतलब 38, 39 या 37 भी हो, 100 आउट ऑफ, तो भाई तुम्हारे सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा। लेकिन भाई ये बहुत, ये भी ना, ये चीज़ है, ये इतने मार्क्स स्कोर करने बहुत मुश्किल होते हैं एमयू के पेपर में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। 0.25 एक क्वेश्चन पे करते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कट जाता है सिंपल। तो अगर तुम्हारे 50 बन रहे हैं सिंपल, और तुम तुक्का वगैरह तो बिल्कुल मत लगा के आना, ठीक है? और तुम्हें पता ही 11th में इंटरव्यू तो होता नहीं, ठीक है? तो तुक्के वगैरह मत लगा के आना। अगर तुम्हारे 50 या 55 सही हो रहे हैं तो बिल्कुल बस आराम से ये 50-55 कर लेना, और तुक्के वगैरह मत लगाना। और अगर तुम्हारे ये 30 तक हो रहे हैं तो हाँ ठीक है, थोड़े बहुत तुक्के लगाना, तुक्के भाई सही भी जाते हैं। अगर तुम्हारे 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन सही हो रहा है तो तुम्हारे 1 मार्क्स हो गए, और अगर तुम्हारे 4 में से 4 गलत हो रहे तो तुम्हारे 1 मार्क्स कटे, तो कोई इतना ज़्यादा लॉस भी नहीं है, ठीक है? तो तुम देख लो अपने हिसाब से तुम्हें जैसा करना है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। और भाई बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भाई स्कूल्स वगैरह कैसे में ये वगैरह वगैरह, तो एक मिंटो है भाई, ठीक है, और एक सिटी है और एक +2 है जिसे बोलते हैं सर सैयद आमिर, ऐसे कुछ है, ठीक है? हम तो भाई +2 ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो भाई मैं सिटी में था और मेरे +2 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हो गए, मैं अभी ग्रेजुएशन की तैयारी, एंट्रेंस की तैयारी कर ही रहा हूँ, ठीक है? तो राइटिंग का इशू मत करना कि भाई राइटिंग बहुत बेकार है, ऐसे मैं बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ ये वाली वीडियो, क्योंकि भाई बेड के ऊपर रख रखा है ये छोटी सी टेबल, उस पर तुम्हारे लिए समझा रहा, ठीक है? तो अब ये बताओ कि अब पूछोगे कि कौन सा स्कूल सबसे बेस्ट है ये वो, तो भाई तीन तीनों में से जिसमें भी एडमिशन मिल जाए तुम्हें, तीनों बेस्ट हैं, ठीक है? मिंटो भी बढ़िया है, सिटी भी बढ़िया है, +2 भी बढ़िया है। सिटी में भाई था मैं, तो सिटी के भाई टीचर्स वगैरह सब अच्छे हैं, सब सपोर्ट करते हैं और सब हेल्प वगैरह भी करते हैं, ठीक है? तो वैसे यार यहाँ एक ट्रेडिशन चल रहा है कि ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे, लेकिन भाई मेरा ऐसा मानना नहीं है, सारे भाई सब बेस्ट हैं यार। किसी से किसी में भी एडमिशन मिल जाए तो ले लेना आराम से, बस तुम्हें ये फ़ायदा है कि 11th में तुम्हें आने से ग्रेजुएशन में तुम्हारे इंटरनल कोटा मिल जाएगा जिसमें तुम्हें 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है? और भाई एम में भी पढ़ लोगे तुम, और एम में तो है ही भाई, ब्रांड है कि एम में, ठीक है? तो बस यही था, और बस अच्छे से तैयारी करो भाई, बाकी सब तो दुआ करना हो जाए सबका एम यू में। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।